नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अयान है और आप देख रहे हैं होम यूट्यूबर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड का न्यू अपडेट आ गया है। फिर से एक बार फिर से आधार कार्ड का न्यू अपडेट आया है, जो कि 28 तारीख को आया है शाम 7:30 बजे, जिससे कि हर व्यक्ति को इस आधार कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हम आपको डायरेक्टली आपको बता दें कि आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम खुल जाए तो यहाँ पर डालिए ई आधार कार्ड। ई आधार कार्ड डालने पर उसको क्लिक कीजिए। अब आपको हम बता दें कि आप यहाँ से जाने के बाद इस पर आप आधार नंबर जो वगैरह आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और आधार पर जो आपका नाम है फुल नेम वो डाल लीजिए, पिन कोड और सिक्योरिटी कोड। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी, रिक्वेस्ट OTP तक दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत होगी आपको। बता दें कि यहाँ पर आपको सीधे सीधे बता दें कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन का चुनाव करना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये पहला वाला ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, तीसरा लेस देन ए ईयर बैक, ये आपको चुनाव करना होगा, और फिर बैंक ब्रांच, फिर उसके बाद यस, फिर उसके बाद 1 से 30, फिर इसके बाद UIA ये वाला क्लिक करने का, UID वेबसाइट, और फिर इसके बाद आपको चूज करना होगा ये वाला ऑप्शन यस, फिर इसके बाद आपको चूज करना होगा 1 से 2, इसके बाद फाइनली कॉर्पोरेशन, ये फ्रेंडली कॉर्पोरेटेड ये वाला, और इसके बाद ये वाला। अब ये ऑप्शन चूज करके आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।